नारगढ़ फोर्ट की वॉल है, ये पूरी ऐसे दूर तक है इस पूरी पहाड़ी के ऊपर, और नीचे ये उस तरफ है जयपुर। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है मेरा जयपुर में तीसरा दिन और ये है दूसरा ब्लॉग जयपुर ब्लॉग सीरीज का। और आज धूप भी काफी ज्यादा अच्छी निकली और बहुत अच्छे से रोशनी आ रही है मेरे रूम में, और ये काफी कूल लग रहा हूँ आज मैं, है ना। कल के दिन तो मैं बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि हमने बहुत सारी जगह कवर करी थी, इसलिए मैं बस आया सोया और उसके बाद अपनी वीडियो एडिट करी। और वीडियो तो मैं सारी मैंने सोचा था कि दिल्ली में जाके अपलोड करूंगा। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज भी हमें दो फोर्ट कवर करने हैं, एक तो जयगढ़ फोर्ट और एक नारगढ़ फोर्ट। पर उससे पहले मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, मुझे पेट पूजा करनी है। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जो बेस्ट जगह है ब्रेकफास्ट करने के लिए वो है टपरी कैफे। तो अभी प्लान यही है कि मैं पहले टपरी कैफे जाऊँगा और उसके बाद मुझे निकलना है जयगढ़ फोर्ट के लिए। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं सोलो ट्रिप पर हूँ क्या। नहीं, मैं सोलो ट्रिप पर नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। अगर सोलो ट्रिप पर आया होता मैं बता देता हूँ वहाँ पे, और मैं अपनी उसी पॉलिसी पे चल रहा हूँ जिस पॉलिसी में मैं काम करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाता हूँ ब्लॉग में। इसलिए काफ़ी लोगों को लगता है मैं सोलो ट्रिप पे आया था, पर ऐसा नहीं। बहुत से लोगों ने मुझे डीएम भी करा था कि मैं कौन से होटल में रुकाऊँ, तो मैं रुका हूँ ओयो टाउन हाउस में। मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप जयपुर आ रहे हो तो अहिंसा सर्कल के आसपास ही आप अपना होटल देखना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें नज़दीक हैं। जो मेन मेन स्पॉट है जयपुर के वो काफ़ी ज़्यादा पास है यहाँ से। मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो कर लिया है टपरी हाउस से। तो टपरी टी हाउस के बारे में अगर मैं आपको रिव्यू दूं तो वन वर्ड रिव्यू यही है कि एकदम अमेजिंग जगह है, वर्थ है बहुत ज़्यादा। अब मैं आ चुका हूँ अपने आज के दूसरे स्पॉट में और ये है जयगढ़ फोर्ट। ठीक है, आपने देखा होगा मेरा जयपुर का लास्ट व्लॉग, उसमें मैं गया था आमेर फोर्ट में। आमेर फोर्ट से ऊपर है जयगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट की मैं आपको कुछ स्पेशल बात बता देता हूँ। इस फोर्ट की स्पेशल बात ये है कि इस फोर्ट को बनाना स्टार्ट किया था सन 1000 में। ये कम्प्लीट हुआ था 1720 के आसपास। इस फोर्ट को बनाने में 720 साल लग गए और राजा की 27 पीढ़ियां लग गई। और जो यहाँ के राजा थे जय सिंह, उन्होंने ही जंतर मंतर बनाया, उन्होंने ये फोर्ट बनाया था। इस फोर्ट को नाम दिया जयगढ़, और उन्होंने ही जयपुर को बनवाया था इसलिए उसका नाम था जयपुर। और इस फोर्ट पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसका नाम है जयवाण। मेरे पीछे ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, और इसको शिफ्ट करने में 4 हाथी यूज होते हैं। अगर इस तोप का एक राउंड फायर करना होता है तो उसके अंदर 100 किलो बारूद डाला जाता है। और एक बार इससे जब फायर करी थी तो आप सोच नहीं सकते हो कितना दूर गिरा था। वो गिरा था जयगढ़ से 40 किलोमीटर दूर। पीछे जो जगह है ये एक वाटर टैंक है, राजा ने इस वाटर टैंक को बिल्ड करवाया था। और ये वाटर टैंक है 40 फीट गहरा और इसके अंदर आता है लगभग 80 लाख लीटर पानी। अगर महल का पानी एकदम खत्म हो जाए और ये टैंक फुल है तो 3 साल तक जो महल की पूरी प्रजा है इस पानी को आराम से यूज कर सकती थी। और इतना ही नहीं, इस टैंक के नीचे रूम्स बनाए गए थे जिसके अंदर था शाही खजाना। अगर आपने बादशाह फिल्म देखी तो बादशाह फिल्म में जो लूट दिखाई थी शाही खजाने की, वो इस वाटर टैंक के नीचे जो खजाना था उसकी लूट दिखाई थी। जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने यहाँ से सारा खजाना निकाल के दिल्ली शिफ्ट करवा दिया था। और इस टैंक के नीचे से निकला था 7 ट्रक भर के सोना।
सोच सकते हो आप 60 ट्रक भर के सोना, और पूरे राजस्थान से सारा सोना लूट लिया गया था। और 3 दिन के लिए जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, दिल्ली जयपुर हाईवे, इसको बंद कर दिया था और यहाँ से बस सोना गया था। रास्ते के नहीं पता कि जितना सोना राजस्थान से चुराया गया था उस सोने का क्या किया गया, उसको जनता के यूज़ में लाया गया या फिर नहीं। फाइनली मैं उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा मन था आने का, और ये है नारगढ़ फोर्ट। नारगढ़ फोर्ट में अगर आपको एंट्री लेनी है तो यहाँ पे लगता है 50 रुपये का टिकट, और मैं जयगढ़ फोर्ट में आपको ये बताना भूल ही गया था कि अगर वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है तो वहाँ पे लगता है 70 रुपीज़ का टिकट। यार नारगढ़ फोर्ट आने का मन पता है ज़्यादा क्यों था? जस्ट लुक एट द व्यू यार, इसे पूरी सिटी दिखाई देती है और यहाँ पे जो सनसेट है बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी मुझे अपने आप से स्टार वाली फीलिंग आती है। अभी वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस मैं खड़ा हुआ, मैंने 2 मिनट वहाँ पे वीडियो बनाई, देखो कितनी पब्लिक पहुँची उधर। मैं पिछले 2 दिन से जयपुर में बहुत सी जगह घूम चुका हूँ, बट जैसा नारगढ़ फोर्ट है ना, जगह कोई नहीं है जयपुर में। मेरे पीछे ये बावड़ी है, ये बावड़ी आपको देखते याद आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हुई थी आमिर खान की रंग द बसंती। रंग द बसंती का जो खलबली गाना है वो पूरा यहाँ पे शूट हुआ है। नारगढ़ फोर्ट शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है, पर एक पड़ाव रेस्टोरेंट है वो खुला रहता है 10 बजे तक, और पड़ाव रेस्टोरेंट से ही सबसे खतरनाक व्यू आता है, सनसेट पॉइंट है वहाँ पे। तो आपको 100 रुपये का टिकट लेना होता है, वो तो वहाँ का एंट्री टिकट है, देन जो भी आप ऑर्डर कराते हो उसके चार्जेस वहाँ पे अलग है। मेरे जस्ट पीछे है शीश महल, तो 2 वैक्स म्यूजियम है यहाँ पे और एक शीश महल है। इनको देखने का जो चार्ज है वो है 500 रुपीज़। पर आप कोई भी वीडियो नहीं बना सकते हैं, कोई भी फोटो नहीं ले सकते हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है अंदर जाने का। ऑब्वियसली आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता, पर एक एक्सपीरियंस है, थोड़ा कॉस्टली है 500 रुपये, और मैं आपको थोड़ी देर में आके अपने रिव्यू शेयर करता हूँ कि ये वर्थ है या फिर नहीं। जस्ट अभी मैं नारगढ़ फोर्ट का शीश महल देख के आया हूँ, बस मैं वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप नारगढ़ फोर्ट आ रहे हो इस एक्सपीरियंस को मिस मत करना। आमेर फोर्ट का शीश महल है, वहाँ पे आपकी एंट्री नहीं है, वहाँ पे आप लोग एंट्री नहीं कर सकते हो, बस बाहर से देख सकते हो, और इसका रीज़न मैं अपने लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ। पर यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, पूरी फील ले सकते हो शीश महल की। और जो ये वाला शीश महल है एकदम नया शीश महल है, अभी ये 3 साल पहले ही बना है, और जनरली मैं कह रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, इसको मिस मत करना। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:20 और अभी सनसेट होने वाला है, तो जो मेजर पॉइंट है, जो सनसेट पॉइंट है, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ सनसेट देखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पड़ाव रेस्टोरेंट जाना होता है। यहाँ पे 2 यशराज की मूवीज़ की शूटिंग हुई है, एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुद्ध सिर में ऐसा जो गुलाबी गाना है पूरा यहाँ पे शूट हुआ था, पूरा वहाँ से सिटी व्यू दिखाई देता है। और रब ने बनाते जोड़े का वो वाला सीन जब शाहरुख खान अनुष्का शर्मा को प्रपोज करता है, और यहाँ पे जयपुर में लिखा आता है लव, ये दोनों सीन यही पड़ाव रेस्टोरेंट में शूट हुए थे। और मेरी टी शर्ट में ये न्यूयॉर्क सिटी ग्लो कर रही है, और अभी मैं जयपुर सिटी में हूँ, भगवान करे वो दिन जल्दी आए जब मैं न्यूयॉर्क सिटी का व्लॉग बनाऊँ। अगर आप नारगढ़ फोर्ट में सनसेट देखने जाते हो तो एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि आप अपनी कोई पर्सनल कैब करके जाओ, आप अपनी ओला उबर को ऐसे करो कि वो वहाँ पे आपका 1.5-2 घंटे के लिए वेट कर ले। अगर आप वहाँ पे वेट नहीं करवाओगे तो शाम के 6:30 या 7 बजे के बाद वहाँ पे कैब नहीं आती है, और ऊपर से वहाँ पे ऑटो मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर ऑटो मिलती भी है तो वो थोड़ी सी महंगी होती है। अभी मैं जल महल आया हूँ नारगढ़ फोर्ट से, तो उन्होंने मुझे 270 रुपीज़ चार्ज किया है, और अभी मैं आया हूँ जल महल, और जो ये वॉक है जल महल के साइड में, ये एकदम मेरे को याद दिला रही है मुंबई के वर्ली सी फेस की। वर्ली सी फेस सही में एकदम ऐसी जगह है, बस पीछे जलमहल नहीं है, पूरा समुंदर है, बहुत ही चिल सीन है यहाँ पे, आराम से अपना वॉक करो शाम को, और पीछे जो एक खूबसूरत सा जलमहल है इसका आनंद लो।
ओके सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डे आज का मेरा पूरा दिन होता है यहीं पे खत्म। अभी मैं डिनर करके आया था पीकॉक रेस्टोरेंट से। पीकॉक बेसिकली एक होटल है, उसका जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट है बहुत ही अमेजिंग, इसका खाना है बहुत ही अमेजिंग, एम्बियंस है। ये वाली जगह भी मुझे रिकमेंड की थी, अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो उसको भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है और एकदम वर्थ है। बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मेरा यूजर नेम है डेली एट रमन। और बस तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, दिल्ली रहो, हैदराबाद रहो, जहाँ रहना है रहो, बस एकदम खुश रहो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।